सो हाई एवरीवन, सक्षा सिंह, आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड शायद अपने आप को इस तरीके से मैं आखिरी कुछ दिन है जब इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. होपफुली इफ आई पास द एग्जाम्स आई विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज डॉक्टर रक्षिता सिंह सून. सो वेर आई वॉज, सो आई वॉज बिजी विद माई फाइनल ईयर एग्जाम्स. इट्स नॉट लाइक फाइनल ईयर इज वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी वास्ट, सो आपको टाइम देना पड़ता है. एंड ऊपर से फाइनल ईयर है तो डर लगता है सप्ली आ गई गलती से भी तो इंटर्नशिप डिले हो जाएगा एंड दिस एंड दैट. सो या डेफिनेटली मेंटली फिजिकली बहुत टफ फेज था. आज ही मेरे थ्योरी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, प्रैक्टिकल्स अभी बाकी हैं जो 28 से लेकर 6 तक होंगे. उसके बाद आई विल बी फाइनली डन विद ऑल एग्जाम्स ऑफ MBBS and hopefully I'll become the first ever doctor of my family. I still remember I was sitting on the bed with my dad and my dad was like, नहीं बेटा अपनी family के बच्चे doctor कहाँ बनते हैं, doctor के बच्चे doctor बनते हैं. And वहाँ से आज सब खुद किया, सारा रास्ता क्या करें कैसे करें सब खुद निकाला and finally I am here. लॉन्ग जर्नी. बस एक ही चीज़ मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगी यार कि ट्रस्ट मी, डोंट रश. अभी मुझे जहाँ तक लगता है ना, तुम सब लोगों का अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो एक रीज़न की वजह से हो रहा है, दैट इज़ फोन. जब सही समय आएगा ना सब कुछ मिलेगा. पहले मैं दूसरों को देखती थी कि यार इनके पास तो खुद का फ़ोन है, वाओ शी कैन गो आउट हर सेल्फ, शी डू हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ. लाइक मेरे साथ तो इतना रिस्ट्रिक्शन था कि क्लास 12 तक पेरेंट्स वोंट अलाउ मी इवन, लाइक आई कैन नॉट इवन टॉक टू गाइस. ओके, सो वहाँ से आके धीरे 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 पेरेंट्स भी चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका मेंटालिटी माइंडसेट सब कुछ चेंज हो जाता है. अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए हो तो तुम्हारे पास अब आखिरी 45 दिन बचे हैं. ट्रस्ट मी, अपनी जी जान डाल दो. तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है उसका कोई मैटर नहीं करता. तुम्हारे पास मतलब यार एटलीस्ट तुमको 5 मई के एग्जाम के बाद ऐसे सेटिस्फैक्शन तो हो ना यार कि मुझमें जितना दम था मैंने वो अपना डाल दिया. अब सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, राइट. आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज इतना दिन हो चुका है मेरे को आप लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं था, बातचीत नहीं हो रही थी. सो आई कैन नॉट रिलेट राइट नाउ कि तुम लोग किस माइंडसेट में हो, अभी किस सिचुएशन में हो. सो आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट डाउन वॉट यू आर फीलिंग, इन वॉट स्टेज यू आर, कितना सिलेबस हो चुका है. थोड़ा मेरे को एक बार मोटा मोटे बता दो बिकॉज मेरे पास अब कुछ दिन का टाइम है. मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ा दूंगी जो भी आप लोगों को लगेगा एंड आई लिटरली गिव माई लेवल बेस्ट. उन चैप्टर्स के अंदर तुम्हारी हर चीज़ कवर्ड होगी. तो जो भी तुमको 5-6 चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, फिर मैं एक हफ्ते के लिए फिर ऑफ जाऊँगी यार थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिकल एग्जाम्स. अगेन आई विल कम बैक आफ्टर 6, बट अभी बीच में टाइम मेरे पास थोड़ा है बिफोर माई थ्योरी एग्जाम्स. तो मैं आपके मुश्किल से कुछ चैप्टर्स जो है वो कवर करके चली जाती हूँ. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कहाँ दिक्कत है, किस क्वेश्चन में, किस चैप्टर में. नॉट जस्ट दैट, मेंटली क्या दिक्कत चल रही है, आप क्या फील कर रहे हो, कितना आपका सिलेबस हुआ है, सो दैट आई कैन प्रिपेयर सम स्ट्रैटेजी फॉर यू कि अभी से कैसे अप्रोच करना. आई होप यू अंडरस्टूड बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलेट एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल. एंड कल से आई विल बी बैक ऑन दिस चैनल एंड वी विल रॉक इट टुगेदर. मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, कहना गलत नहीं होगा कि मैंने फोड़ दिया एकदम. तो हम अब साथ में मिलके 5 मई को फोड़ते हैं. मेरा जर्नी जो है वो ख़त्म होने जा रहा है एंड डॉक्टर बनने का, और आप लोगों का जो जर्नी डॉक्टर बनने का है वो फाइनली शुरू होने जा रहा है. तो साथ में इस प्यारी सी जर्नी की शुरुआत और एंडिंग करते हैं, ठीक है. आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे. जो भी है कल मिलते हैं. बाय बाय.